हेलो फ्रेंड, कुकिंग मेड इजी बाय पिंकी में आपका स्वागत है नया रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चा केला की सब्जी। आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना, कमेंट में लिखना कैसे बना है। कच्चा केला की सब्जी बनाने के लिए कच्चा केला चाहिए। 4 कच्चा केला छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लिया। 2 मीडियम साइज के आलू भी छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लिया। अभी केले में हल्दी और नमक लगा के रखेंगे, नहीं तो केला काला हो जाएगा। कढ़ाई गर्म हो गया, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें सरसों का तेल डालना। ये रेसिपी आप सरसों का तेल में बनाना तो और भी स्वादिष्ट बनेगा। 4 टीस्पून सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें सारे आलू को डाल देंगे। आलू डाल के आलू में 1/2 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से आलू को फ्राई करेंगे। इसमें अभी हल्दी नहीं डालेंगे। आलू अच्छे से पकने के लिए ढक्कन लगा दिया। जब 50% आलू पक जाए तभी इसमें केला को डालना है, बल्कि केला आलू एक ही साथ फ्राई करना। इसमें ढक्कन लगा देती हूँ तो और भी अच्छे से पक जाएगा। बीच बीच में मैं चलाते रहूँगी सब्जी को, तब तक मसाला बना लेना है। 1/2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1/4 अदरक पेस्ट, 1 मीडियम साइज की प्याज ग्रेट हुआ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 हरी मिर्ची को थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया सब्जी। अब इसमें जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डालेंगे, डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक मसाला से और सब्जी से तेल अच्छे से छोड़ना शुरू हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है, नहीं तो अच्छे से नहीं फ्राई करने से मसाला का जो कच्चापन उड़ जाएगा, इसलिए अच्छे से फ्राई करना। 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। ब्लैक पेपर डालने से और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। सब्जी अच्छे से पक गया है, अब इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। पानी डाल के अच्छे से और भी 5 मिनट पकाऊंगी। अब जैसे ग्रेवी खाते उसी हिसाब से पानी डालना। आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, तो आपका नया जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपका नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऊपर से गरम मसाला डालना है। बनकर तैयार हो गया कच्चे केले का सब्जी। आप इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हो। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखना है। स्टैंडिंग टाइम